भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना बनाई हुई है। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? और अब इसकी शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर 2019 से। चलिए आपको बताते हैं कि भारत के अलावा आखिर दुनिया के किन देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। रवांडा। रवांडा उन देशों में से एक है जिसने प्लास्टिक बैग के प्रोडक्शन, बिक्री और उसके दूसरे इस्तेमाल पर साल 2008 में रोक लगाई और इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर जेल की सजा या भारी भरकम जुर्माना ठोकने का भी प्रावधान है। बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया का पहला वो देश है जहां पतले प्लास्टिक बैग्स पर साल 2002 से बैन लगा हुआ है। फ्रांस। ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां प्लास्टिक से बनी चीजों को बैन कर दिया गया है। यहां प्लास्टिक से बने बर्तन जैसे प्लेट्स, कप जैसी चीजों को आंशिक तौर पर बैन किया गया है। यहां कानून पूरी तरह से साल 2020 से लागू होगा। ताइवान। फरवरी 2019 में ताइवान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर आंशिक तौर पर बैन लगाने का कदम उठाया जो साल 2030 तक पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा। केन्या। केन्या में साल 2017 से प्लास्टिक बैन है। इस देश में सबसे ज्यादा खतरनाक और कठिन कानून है। दरअसल केन्या में अगर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर $38,000 का फाइन और 5 साल तक की सजा भी मिल सकती है। इंग्लैंड। साल 2018 में इस देश में फैल रही गंदगी को रोकने के लिए प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को समंदर में जाने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। अब अप्रैल 2020 में इंग्लैंड में प्लास्टिक स्ट्रॉ, वाटर बॉटल्स और कॉटन बड्स जैसी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साल 2021 तक प्लास्टिक बैन घोषणा की। कनाडा ने यह फैसला समुद्र में जमा हो रहे कचरे को कम करने के लिए लिया है। जिम्बाब्वे। साल 2017 में जिम्बाब्वे सरकार ने देश की फूड इंडस्ट्री को खासतौर से आदेश दिया कि वो प्लास्टिक से बने कंटेनर्स का इस्तेमाल बंद करे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। अमेरिका। अमेरिका में प्लास्टिक पर बैन पूरी तरह से नहीं है। न्यूयॉर्क में अप्रैल 2019 से, नवंबर 2016 में कैलिफोर्निया में और हवाई में प्लास्टिक पर बैन साल 2015 से लगा हुआ है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अगस्त 2018 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर बैन है। मोरक्को। 2016 में मोरक्को में प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। हालांकि बैन के बावजूद प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो रहा था तो सरकार नया कानून लेकर आई जिसके तहत प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर जनवरी साल 2019 से कड़ा जुर्माना है। एंटीगुआ और बरबुडा। साल 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एंटीगुआ और बरबुडा आइलैंड में भी बैन लगा जिसके बाद फरवरी 2019 से यहां प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कप प्लेट्स जैसी चीजों के आयात पर पूरी तरह से बैन है। दक्षिण कोरिया। साल 2018 से दक्षिण कोरिया ने भी प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक से बनी अन्य चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाई हुई है और बैन को न मानने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। जाहिर है जलवायु परिवर्तन की वजह से बिगड़ता पर्यावरण विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और ऐसे में प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए कठोर रणनीति बना रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।